नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। नेता लगातार जनसभा को तो संबोधित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर जो वार पलटवार का जो दौर है वो भी जारी है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र पहुँचे, जहाँ अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की है कि इस बार के चुनाव में जो जेडीयू प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करें। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोग जो हैं केवल व्यक्तिगत सेवा करना जानते हैं और हम जो हैं वो पूरे बिहार की सेवा करना चाहते हैं, बिहार की जनता का सेवा करना चाहते हैं, ये हमारा धर्म है। विशेष क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आप खुद सुनिए। कोई स्वार्थ नहीं रहा, वैसे हम सब लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, प्रिय उम्मीदवार हैं। महेश्वर बाबू को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए, यही हम विनती करने आए हैं, यही आग्रह करने आए हैं। और आप देख लीजिए, उन्होंने संक्षेप में ही कहा, आज से नहीं, हमारा बहुत पुराना संबंध है, हमारे मित्र हैं वो। और आप जरा देख लीजिए कि जो भी उनके मन में भाव पैदा हुआ है वो विकास को लेकर के ही, कोई दूसरी बात मन में है नहीं। और वो फिर अब एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लोगों की सेवा करते रहे। हम तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का काम है व्यक्तिगत अपना सेवा करना, हम लोगों का काम है पूरे बिहार के लोगों की सेवा करना।